राजगढ़ के सर्द फिजाओं में भी आज नागरिक संशोधन बिल की गर्माहट देखने को मिली। इसी कड़ी में नागरिक संशोधन विधेयक के समर्थन में उपमंडल मुख्यालय राजगढ़ में युवाओं द्वारा यहां एक रैली का आयोजन किया गया। राजगढ़ के शिरगुल चौक से राज्य सहकारी बैंक तक विधेयक पारित करने के लिए युवाओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह के समर्थन में नारेबाजी की गई। युवाओं ने भारत माता की जय, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, जान भी देंगे खून भी देंगे, देश की माटी कभी ना देंगे जैसे नारे लगाए। इसके बाद पुराने बस स्टैंड पर युवा फाउंडेशन के फाउंडर सदस्य विकल्प ठाकुर ने विधेयक के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी और इसके विरोध में सरकार को ब्लैकमेल करने, मुसलमानों और छात्रों को भड़काने व तोड़फोड़ करने जैसे कृत्यों की निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरे देश के विद्यार्थी सड़क पर उतरें, जबकि वास्तविकता में विश्वविद्यालयों के लोगों ने माहौल खराब किया हुआ है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से इस बिल का समर्थन करने और लोगों को समझाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सुरेश ठाकुर ने कहा कि नागरिक संशोधन बिल के समर्थन में लोगों ने भ्रांतियां फैलाई हुई हैं। उन्होंने कहा कि देश में घुसपैठिए आतंकवाद फैला रहे हैं और ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने व देश हित में यह कानून है। उन्होंने कहा कि देश, क्षेत्र तथा जनहित जैसे मुद्दों में सभी विचारधारा के लोगों को दलगत राजनीतियों से ऊपर उठाकर कार्य करना चाहिए। रैली में दर्जनों युवाओं ने भाग लिया। देश में सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आपने देखा पिछले 6 महीने के अंदर किस तरह के देश की बिल पास हुए हैं। आने वाले समय में कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कि किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद हो गए, ये हम आप समझते हैं। मैं राय देना चाहूंगा आप हमारे यहाँ के कांग्रेस के मित्रों को, आप भी सामने आए, आप भी आवाज उठाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी की बात है। हमें खेद होता है जब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं यहाँ पर विदेश से आकर के नागरिकता हासिल करती है, लेकिन जब हमारे अल्पसंख्यक पाकिस्तान से हमारे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, हमारे बांग्लादेश से आकर के हम उन्हें यहाँ शरणार्थी को नागरिकता देते हैं तो उसका विरोध करते हैं। आप स्वयं यहाँ हिंदुस्तान में नागरिकता देती है, लेकिन आज जब हमारे भाइयों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें मान सम्मान मिले, वो दिल्ली की सड़कों पर झुग्गियों में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। ये हमने, हमारी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम कानून में संशोधन करेंगे, और जो हमारे भाई आज यहाँ सड़कों पर रुल रहे हैं, उन्हें भी अधिकार उनके मिलने चाहिए, उनके बच्चों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। और पूरे देश के अंदर जिस तरह से माहौल खाने की कोशिश, खराब करने की कोशिश की जा रही है, मैं कुछ दिन पहले अभी सोशल मीडिया पर जुड़ा था तो हिमाचल के अंदर भी कांग्रेस के एक संगठन है, छात्र संगठन, वो एक हिमाकत कर रहे थे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला फूंकने की। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह से काम ना करें, क्योंकि जो काम देश हित में हुआ है उसका सभी को समर्थन करना चाहिए। अमित शाह, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए राजगढ़ से गोपाल शर्मा की रिपोर्ट। कबड्डी एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश पेश करते हैं 46वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। देखिए सीधा प्रसारण ओनली ऑन लाइव टाइम्स टीवी, जिसमें शामिल होंगे अजय ठाकुर, प्रदीप नरवाल, विशाल भारद्वाज, दीपक निवास हुड्डा, मंजीत चिल्लर और सुरेंद्र सिंह। कबड्डी रोडू संघ इन्वाइट यू ऑल, तो देखना ना भूलिएगा। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।